हाय गाइस, मैं रघुवीर भारद्वाज। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा कि हमारा एक डीएक्स है, डीएक्स यूनिट है, इसमें हमारा कंट्रोल का प्रॉब्लम है। उसके लिए मैं आप लोग को बताऊँगा कि कंट्रोल कैसे चेक करते हैं, क्या प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर। तो आज इस पर बात करूँगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करके जो भी कॉमेंट पूछना है आप पूछ सकते हैं, मैं उसका अगले वीडियो में जवाब दे दूँगा। और चलिए वहाँ पे चल के देखते हैं कि हमारा यूनिट में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हमारा यूनिट वर्किंग कर रहा है। तो इसलिए हम आए गए, इसलिए देखिए हमारा ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं, आपको कंट्रोल में दिखा रहे हैं। ये हमारा लगा हुआ है, कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, फ्यूज लगे हुए हैं, और आपको मैं वहाँ पे ले चलता हूँ। ये हमारा पीसी बोर्ड है, उसका मदर बोर्ड इसको बोलते हैं, पीसी कार्ड भी बोलते हैं इसको। तो हमारा यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रहा है, इसका क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहा सप्लाई, को हमको चेक करना होगा। चलिए हम चेक करते हैं सबसे पहले कि हमारा ये ट्रांसफार्मर से ही सप्लाई आता है। ट्रांसफार्मर को चल के हम चेक करते हैं, ये दो हमारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, इसमें हम चेक करते हैं सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको हम चेक कर रहे हैं तो सर इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है, एक ट्रांसफार्मर में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको कंट्रोल बराबर नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोनों ट्रांसफार्मर सीरीज में कनेक्ट हुआ है। ये हमारा सिस्टम है, ये कूलिंग कॉइल है, और ये हमारा यूटिलिटी कार्ड है, ये हमारा मोटर है, ब्लोअर मोटर, ये अंदर दिख रहा है, ब्लोअर दिख रहा है। तो ये हमारा मोटर का जो टैग लगाता है मोटर पे ब्लैक टैग जो कि वो है, और ये हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर 2.5 टन का दो लगा हुआ है, यानी कि 5 टन का यूनिट है। और आपको ये LP दिखाते हैं, हाई प्रेशर स्विच दिखाते हैं आपको, ये टाइप फिल्टर है, ये सोनेट वाल है, ये साइड ग्लास दिख रहा है जो हम थोड़ा सा ऊपर, वो साइड ग्लास है, ये हमारा हाई प्रेशर है, ऊपर लगा हुआ है LP लो प्रेशर, ये हमारा इंजेक्शन वाल है, सेंसर वाल है, ये ऊपर भी दिखाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है, ये एक कंप्रेसर ऊपर लगा हुआ है, एक कंप्रेसर नीचे लगा हुआ है, और नीचे दो कंप्रेसर लगे हुए हैं। और आपको फिर ले चलते हैं अपने ट्रांसफार्मर के पास, हमने वहाँ ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया है, चेंज करने के बाद सप्लाई हमारा ओके हो गया, हमने चेक कर लिया है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर, ये मेन स्विच है, ये 6 कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए हैं, अरे वीडियो बनाते हैं। ये हमारा ट्रांसफर दीजिए, मैंने ट्रांसफर चेंज कर दिया है, हमारा सप्लाई यहाँ तक पहुँच गया है। ओके गाइस।